वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं इकाई चार का सारांश लेकर आया हूँ। देखिए, सबसे पहले है आगमन विधि। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, स्थूल उदाहरणों से सामान्यकरण के सिद्धांत पर आधारित है। इन स्थूल उदाहरणों को देखकर तथ्य, नियम, सिद्धांत एवं सूत्र आदि स्थापित करते हैं। यहाँ पर मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। देखिए, बच्चों को मैंने त्रिभुज, बहुत सारे त्रिभुज दिया और सभी का कोण माप माप करके लिखने के लिए बोला। बच्चों ने लिखा अब इससे को बच्चे जोड़ते हैं। हर बार देख रहे हैं कि 180 आ रहा है, 180। तो यहाँ पर एक नियम, एक सिद्धांत या एक सूत्र कहिए, बन जाता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। यहाँ पर ये उदाहरण देखा, इन उदाहरणों को देखकर नियम बनाया गया। जब उदाहरण पहले दिया रहता है आगमन विधि में, उदाहरण को देखकर सूत्र बनाना है, नियम बनाना है, सिद्धांत बनाना है। फिर से समझिए, आगमन विधि में उदाहरण पहले दिया हुआ रहता है और इन उदाहरणों को देखकर बच्चे तथ्य बनाते हैं, नियम बनाते हैं, सिद्धांत बनाते हैं, सूत्र बनाते हैं। निगमन विधि जस्ट इसका उल्टा है। क्या है कि इसमें सूत्र पहले दिया हुआ रहता है और सूत्र का प्रयोग कर प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे कि हम, मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि दो कोणों का योग 100 डिग्री है तो तीसरा कोण होगा, तीसरा कोण ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए, बच्चों ने आगमन विधि से एक फार्मूला निकाल लिया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का एक योग 180 होता है। तीनों कोण पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों कोण का योग 180 होता है। ये दोनों का योग 100 है तो तीसरा कौन क्या होगा, तीसरा कौन ये इधर ले आएंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले फार्मूला बैठाकर जब हल करते हैं तो निगमन विधि है। यानी यहाँ पर सूत्र पहले आता है और इसका उदाहरण बाद में दिया जाता है। पहले उदाहरण बताया जाता है, ये सूत्र बताया जाता है, फिर उदाहरण। यहाँ पर सूत्र पहले बाद में उदाहरण, और यहाँ पर पहले उदाहरण और बाद में आप सूत्र बनाते हैं, यही दोनों में अंतर है। अब देखिए, समस्या समाधान विधि एवं समस्या निर्माण विधि दोनों का गहरा संबंध है। ये समस्या समाधान विधि और समस्या निर्माण विधि दोनों में गहरा संबंध है। देखिए, समस्या समाधान विधि यह एक ऐसी विधि है जिसमें एकत्रीकरण, संगठन, विश्लेषण और सूचनाओं की व्याख्या करने का कौशल आदि सभी समस्या का हल प्राप्त करने में शामिल है। कोई भी समस्या का हल करने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार की सूचना को एकत्रित करते हैं, संगठन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और सूचनाओं का व्याख्या कर हल करते हैं। यहाँ पर समस्या का समाधान होता है। समस्या का समाधान करने के लिए एकत्रीकरण करते हैं। एकत्रीकरण मतलब विभिन्न प्रकार के सूचनाओं को सब को इकट्ठा करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करके सूचना का व्याख्या करके हम समस्या का समाधान करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं कि 55 और 30 को बच्चों को जोड़ने के लिए दिया आपने, किसी बच्चों ने इसे सीधा जोड़ दिया, किसी ने जोड़ा
पचास जोड़ पाँच जोड़ तीस, फिर पचासी। किसी ने जोड़ा पचास जोड़ पाँच जोड़ पच्चीस जोड़ पाँच। तो जोड़ने का यहाँ पर देखिए अलग अलग तरह का सूचना, अलग अलग तरह का संगठन किया और इसको समस्या का समाधान किया। समस्या निर्माण विधि क्या है कि दी गई समस्या को हल करने के लिए विश्लेषण जांच पड़ताल किया जाता है, जांच पड़ताल के क्रम में नए समस्याओं का निर्माण किया जाता है। जांच पड़ताल करने के समय नए समस्याओं का भी निर्माण किया जाता है। इसका उदाहरण है तीन गुनी चार बराबर बारह। अब इसमें बहुत सारा समस्या बीच में उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे क्या एक सम संख्या और एक विषम संख्या का गुणनफल सदैव सम संख्या होता है, क्या एक सम संख्या और एक विषम संख्या का गुणनफल हो सकता है। इस तरह का बहुत सारा समस्याओं का निर्माण किया जाता है, यह समस्या निर्माण विधि हुआ। आगे है परियोजना विधि। यह एक विद्यार्थी केंद्रित विधि है, यानी यह विद्यार्थी स्वयं करते हैं, इसीलिए विद्यार्थी केंद्रित है, जिसमें बच्चे कक्षा कक्ष के बाहर स्वयं करने का चुनौती होता है। वास्तविक अनुभव प्राप्त करने के लिए परियोजना विधि आवश्यक है, बच्चों को वास्तविक अनुभव होना जरूरी है। देखिए गणित में कोई बच्चा प्रश्नों को हल कर लेता है, लाभ हानि, लाभ हानि का एक इकाई है, पाठ है, इसके सभी प्रश्नों को वह हल कर लेता है, किसी को भी नहीं छोड़ता है। लेकिन यही यदि वह दुकान जाता है, बाजार जाता है, वहाँ पर यदि उसे कुछ खरीदना हो तो लाभ हानि का वह प्रयोग नहीं कर पाता है, क्रय विक्रय का प्रयोग नहीं कर पाता है, वहाँ पर उसे वास्तविक अनुभव प्राप्त नहीं हुआ था, जिसके चलते इसको यहाँ पर जोड़ नहीं पाया, संबंध स्थापित नहीं कर पाया और वास्तविक जीवन में इसका उपयोग कैसे करना है नहीं जान पाता है। इसके लिए हम लोग परियोजना करवाते हैं, इसको लाभ हानि से संबंधित बाजार में एक परियोजना हम लोग करवाते हैं, जिसे उसको वास्तविक अनुभव प्राप्त हो सके। तो परियोजना विधि पूरा करने के लिए ये सभी चरण हैं, ये सभी चरणों के द्वारा आप पूरा कर सकते हैं। पहला चरण होगा परिस्थिति प्रदान करना, दूसरा चरण होगा चुनाव करना, तीसरा चरण होगा परियोजना की योजना बनाना, चौथा चरण होगा परियोजना को कार्यान्वित करना, पांचवा चरण होगा परियोजना का मूल्यांकन करना और छठा परियोजना का अभिलेखन करना। तो इस तरह से हम परियोजना विधि का उपयोग कर सकते हैं। आगे है क्रियाकलाप अधिगम। ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर आधारित है और अधिगम कुछ परंपरागत प्रयोगों क्रियाकलापों के करने पर आधारित है। क्रियाकलाप आधारित अधिगम, यहाँ पर देखिए क्रियाकलाप करना ही है, यानी बच्चों के द्वारा करवाना है, इसमें बच्चे स्वयं करते हैं। यह ज्ञानेंद्रियों, यहाँ पर हाथ का उपयोग, आँख का उपयोग, सभी चीज़ यानी कान का उपयोग, ज्ञानेंद्रियों का उपयोग हम लोग करते हैं और ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके क्रियाकलाप आधारित अधिगम प्राप्त करते हैं। विश्लेषण विधि और एक होता है संश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि में थोड़ा सा अंतर है, दोनों को देखना बहुत जरूरी है तब आप अच्छा समझ पाएंगे। आप यहाँ पर देखिए, इसमें भी मैं विश्लेषण विधि में यही उदाहरण लिया हूँ और संश्लेषण विधि में भी यही उदाहरण लिया हूँ, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। विश्लेषण विधि में जो हल करके लाना है वहाँ से हम शुरुआत करते हैं, किससे हम विश्लेषण विधि में जहाँ से है हम लोग विश्लेषण विधि में वहाँ से प्रारंभ करते हैं जो हमको लाना होता है। जो यहाँ पर देखिए इसमें ये लाना है, सिद्ध करना, तो हम लोग विश्लेषण विधि में यहीं से स्टार्ट करेंगे, हल करने के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे और हल करके इसको ले आएंगे।
ये विश्लेषण विधि है। यानी इसको अज्ञात समस्या को आसान भागों में विभाजित कर देते हैं और फिर इसे संयोजित कर देते हैं जिससे मेरा हल हो जाता है। लेकिन संश्लेषण विधि में जो दिया रहता है यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, दिए गए तथ्य, दिए गए नियम, दिए गए जो भी कुछ है यहाँ से हम शुरुआत करते हैं और जो हल करके लाना है उसको लाते हैं। दोनों में अंतर, आप विश्लेषण विधि रहेगा तो यहाँ से शुरुआत करेंगे, ये विश्लेषण विधि में क्या लाना है यहाँ से शुरुआत करेंगे, और संश्लेषण विधि में जो दिया गया है उससे हम लोग बनाने के लिए शुरू करेंगे, हल करने के लिए यहाँ से शुरू करेंगे और इसको हल करते करते यहाँ पर ले आएंगे। दोनों में अंतर कि संश्लेषण विधि में जो दिया हुआ रहता है, जो समस्या का उपलब्ध कराती है, जो ज्ञात है उसको लेकर हम लोग अज्ञात की ओर सिद्ध करते हैं, लेकिन विश्लेषण विधि में जिसे हमको लाना है वहाँ से शुरू करते हैं और ज्ञात की ओर ले आते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने इकाई 4 का संक्षिप्त सारांश देखा। इसमें बहुत लंबा था, वीडियो लंबा हो जाता है, इसके लिए मैंने नहीं बनाया। शाम तक एक और वीडियो इसी चैप्टर से संबंधित आएगा, इकाई 4 से संबंधित एक और वीडियो मैं बना रहा हूँ। धन्यवाद।